एलसी टेबलेट के बारे में। मोनेट एलसी ब्रांड नेम है। इसका कंपोजिशन मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसके प्रत्येक टेबलेट में मोंटेलुकास्ट सोडियम 10 mg तथा लेवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पाया जाता है। इस टेबलेट को मेप्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो 10 टेबलेट के स्ट्रिप में 64.70 रुपया की कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस टेबलेट का उपयोग कितनी मात्रा में तथा कितने दिन तक किया जाता है, मोनेट एलसी टेबलेट लेने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। इन सारी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोनेट एलसी टेबलेट बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जिक टेबलेट है। इसका उपयोग कई प्रकार के एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में, जब किसी व्यक्ति को बार बार खांसी होता है, काफ़ी छींके आता है, आँखें लाल हो जाता है, आँखों से पानी बहते रहता है, नाक से भी पानी बहते रहता है, इस समस्या को ठीक करने के लिए मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में, जब किसी व्यक्ति को धूल मिट्टी या किसी एलर्जी पैदा करने वाले वस्तु से शरीर संपर्क होता है, तो उनके चेहरे पे लाल लाल चकत्ता हो जाता है, जिसमें काफ़ी ईचिंग करते रहता है और जलन होता है, तब इस समस्या को ठीक करने के लिए भी अन्य उपयोगी दवा के साथ मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को काफ़ी खांसी होता है, जो काफ़ी दवा करवाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तब भी अन्य उपयोगी दवा के साथ एंटी एलर्जिक दवा के रूप में मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग करवाया जाता है, जिससे खांसी तुरंत ठीक हो जाता है। दमा अस्थमा में, जब किसी व्यक्ति को दमा हो जाता है, तो उसे काफ़ी खांसी होते रहता है, सांस चढ़ता है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता है, परेशानियाँ होता है, इस परेशानी को जल्दी ठीक करने के लिए, दमा को जल्दी ठीक करने के लिए भी मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग करवाया जाता है। किसी प्रकार के दवा के उपयोग करने से, जब किसी व्यक्ति को रिएक्शन कर जाता है, दवा का अंतर प्रभाव हो जाता है, तब व्यक्ति के शरीर पर लाल लाल चकत्ता हो जाता है, जिसमें काफ़ी ईचिंग होते रहता है, काफ़ी दर्द और जलन होता है, तब इस समस्या को ठीक करने के लिए भी मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग करवाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को दांत खाज खुजली हो जाता है, सोरायसिस हो जाता है, तो उस व्यक्ति के त्वचा पर लाल चकत्ता हो जाता है, जिसमें कभी कभी पुई पड़ जाता है, उसमें रीम बनने लगता है, इस समस्या को ठीक करने के लिए भी किसी अच्छे एंटीबायोटिक दवा के साथ मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग करवाया जाता है। अब जानेंगे मोनेट एलसी टेबलेट के डोजेज के बारे में, इस टेबलेट को कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति को एक टेबलेट प्रतिदिन लेना चाहिए, और कम उम्र के व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में प्रतिदिन एक बार लेना चाहिए। दोस्तों, अब जानेंगे मोनेट एलसी टेबलेट का उपयोग करने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग करने के बाद व्यक्ति को नींद आने की समस्या हो सकता है, थकान हो सकता है, तथा अन्य कई प्रकार के प्रॉब्लम हो सकता है। मोनेट एलसी टेबलेट के बारे में और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।